YouTube या Google के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो इन्वेस्ट के कई सारे तरीके बताए जाएंगे, लेकिन मुझे सबसे बेहतर लगता है और जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि प्रॉपर्टी में जो है इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी के अंदर विलास हो गए, होम हो गए, फ्लैट हो गए, प्लॉट हो गए, लेकिन जो सबसे सस्ता और बढ़िया जो माध्यम है ना वो है प्लॉट, क्योंकि दुनिया इधर के उधर हो जाए प्लॉट वहीं के वहीं रहेगा। और आज मैं निकला हूँ बदरपुर या फिर फरीदाबाद के लिए, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा, और वहाँ पे ना आपको सस्ता मिलने वाला है। और जाने से पहले बताना चाहूँगा, ये जो मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं ये नोएडा सेक्टर 16 है, रजनीगंधा चौक के नाम से भी जाना जाता है। रजनीगंधा क्या आपको पता है, उसकी फैक्ट्री यहाँ पे, और यहाँ पे इतना बेहतरीन खुशबू लगता है कि मैं 25 से 30 सेकंड यहाँ पे रुकता जरूर हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जब हम सेल करते हैं या बाय करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होते हैं। और हमारे साथ है 35 साल पुराने प्रॉपर्टी डीलर और मिस्टर अशोक जी। हेलो सर, स्वागत है आपका चैनल पे। और हमारे साथ है मिस्टर कृष्णा जी, इनका भी काम जो है काफ़ी लंबे समय से आ रहा है, क्योंकि उनका पोस्ट जो है इन्होंने ही संभाल रखा है। और मैं जहाँ स्थित हूँ ये है बदरपुर एरिया, बदरपुर बॉर्डर आप कह सकते हैं। जो लोग नए प्रॉपर्टी सर्च करते हैं उन्हें किन किन चीज़ों का जो है ध्यान देना चाहिए? देखना होगा कि हमें प्रॉपर्टी कहाँ सस्ती है जी, ताकि हर आदमी के एक बजट में प्रॉपर्टी मिल जाए, गरीब को भी और अमीर को भी। अमीर के लिए तो यह है कि पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, गरीब को यह है कि घर बनाने के लिए छत मिल जाती है। बिल्कुल, हम ये चीज़ों का ध्यान देखोगे कम बजट में कहाँ है और जेन्युइन जमीन। लगभग लगभग अब तक 50 कॉलोनियां काट चुके हैं, जिनमें हमने स्टार्ट किया था 150 रुपये पर गज से, आज से 35 साल पहले 150 रुपये पर गज से, जहाँ पे आज की कीमत है 70,000 रुपये पर गज का, जो 150 हमने स्टार्ट करी थी, मगर वो क्या है 20 साल पहले का। तो प्रॉपर्टी हर 20 साल में अपना दिखाती है, वैसे तो साल दो साल में देने लगती है, बट जो सही साल में थोड़ा कम रिटर्न देगा। हाँ, कितने रुपए गज मिल सकता है सर, कुछ आइडिया दे सकते हैं? यहाँ पे जो हमारा सबसे कम स्टार्ट करते हैं, हम तो बहुत कम लो पे करते हैं ताकि हर आदमी के एक बजट में आ जाए, जिसपे नहीं अगर वो भी घर वाला बन जाए तो हमारा 4,000 से स्टार्ट कर देते हैं। 4,000 रुपए से आपके साइड स्टार्ट। कोई भी व्यक्ति जब आता है ना तो एक बार ना देखना चाहता है पूरा चयन जो है कहाँ से आ रहा है, मतलब कैसे चेक कर सकता है ये जेन्युइन जमीन है। जमीन जहाँ पे सेल कर रहे हैं जी, जिले का नाम पलवल है इसका, ठीक है, ठीक है जी। और जहाँ पे जमीन है मरौली गांव की जमीन है, आरजोन एरिया वहाँ घोषित है, ओके, ताकि कॉलोनी बनाने में या मकान बनाने में कोई दिक्कत ना आए। प्रॉपर्टी का कागज है यहाँ पे जो है पूरा मेंशन है, मतलब कौन सा गांव है, ये देखिए खाता नंबर है, मुस्त नंबर 68, किला नंबर 22, पूरा ना डॉक्यूमेंट है। तो जब कोई आता है यहाँ पे देखने के लिए तो इनको पूरा कागज जो है वो दिखाते हैं जी, दूसरी रजिस्ट्री है उसके साथ की। अच्छा, ये दूसरी रजिस्ट्री है, ठीक है, ये पूरा स्लिप होता है। हाँ, ये तो पेमेंट का स्लिप है। अच्छा सर, यहाँ पे ना मैंने जैसे कि सुना है कि जब कोई महिलाओं के नाम पे रजिस्टर्ड होता है तो कुछ डिस्काउंट वगैरह। हाँ, कम से कम आधे का फर्क आ जाता है, आधे का। हाँ, 3% लेडीज के नाम पे होता है। आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, तो अगर पहला प्रॉपर्टी है तो आप कोशिश करें कि घर के मम्मी हो या फिर जो है आपकी वाइफ हो तो इनके नाम से करेंगे ना, तो जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है सरकारी उसमें ना कम पड़ने वाला है। कितना कम पड़ेगा उसके लिए आप बात कर सकते हैं। ये म्यूटेशन होती है, ओके, ठीक है, नकल जमाबंदी, जमाबंदी, ठीक है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी ये हमारा नाम चढ़ा हुआ है यहाँ पे, ये हमारी मम्मी के नाम से जमीन है, कैलाशी देवी का नाम होगा, ठीक है, जो बीच में आ रही है ये हमारी मम्मी है, सब प्रॉपर्टी इनके नाम पे होती है ताकि हमारे पैसे कम लगते हैं तो कस्टमर के भी पैसे कम बैक कर देते हैं। ओके, ठीक। हमारी पुरानी रजिस्ट्री भी है जो करा रखी है सब, ये तो खुद मेरे नाम पे थी। रेट कहीं पे भी जमीन का फिक्स नहीं होता, वो अपने तरीके से आप बात कर सकते हैं। ये जो भी एक बताया जा रहा है लगभग अमाउंट है जी, ठीक है। ये नक्शा है, ये जैसे मैप दिया हुआ है, इसमें 500 गज के भी है। ये है कहाँ का? ये हमने दे रखा है मरौली का, जिस साइड के हमने पेपर दिखाए हैं अभी आपको। ओके, इस साइड पे हम चलेंगे सर, एक साइड पे हमें। हाँ बिल्कुल, विजिट करो, साइड बहुत अच्छी है, बड़ा खुला वातावरण। ठीक है सर, चले बिना सवाल किए हुए। हाँ जब ठीक, यहाँ ना चारों तरफ से जो है कनेक्टिविटी यहाँ पे है, यानी कि मानेसर, रोहतक, गुड़गांव,
जयपुर आगरा सब जगह का कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ से मात्र 10 मिनट की दूरी पे यहाँ का मैं जो है आपको चारों तरफ का लोकेशन दिखाता हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. पंचारी रेलवे स्टेशन यहाँ से जो है मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग इधर से आए हैं और हमें जो है ये फाटक क्रॉस करके और हमें जो है इस तरफ जाना है। यहाँ पे एक समय के बाद जो हम पहुंच चुके हैं और यहाँ का मैं आपको लोकेशन दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का होने वाला है। दोस्तों ध्यान दें कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपको जो है दिखने में एकदम गांव का जो एरिया होता है उस तरीके का फील होगा। और ये जो है रेलवे स्टेशन के ठीक पास स्थित है। मैं एक छत पे खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ कि यहाँ के आसपास का लोकेशन जो है वो किस तरीके का होने वाला है। देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जिन्होंने ले लिया है वो अपना बाउंड्री करवा के यहाँ पे छोड़ चुके हैं। दोस्तों हमारे साथ है कृष्ण शर्मा जो कि यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। सर ये जो एरिया देख पा रहे हैं हम, ये कितने एकड़ में होंगे? ये एरिया आपका 100 से 150 एकड़ के बीच का एरिया है। ओके हाँ जी ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि मिनिमम जो प्लॉट का साइज है वो क्या रहने वाला है? मिनिमम 50 गज का प्लॉट होता है, पर फिर भी किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 30 गज का प्लॉट भी अगर चाहिए होता है अवेलेबल करा तो करा देते हैं हम अवेलेबल। तीसरा यहाँ पे सवाल है सर प्राइस को लेके कि यहाँ पे प्राइस जो है वो प्रति गज क्या लगने वाला है? प्राइस तो भाई साहब बहुत ही सस्ते होने वाले हैं। मात्र 4,000 रुपए गज के रेट्स में हम प्लॉट्स अवेलेबल कराते हैं। ओके इसमें कुछ एडिशनल डिस्काउंट वगैरह देते हैं फेस्टिवल पे या फिर कुछ ऑफर में? हाँ बिल्कुल होता है अवेलेबल। हाँ डिस्काउंट होता है। क्या होता है? जैसे आपका नवरात्रे आ रहे हैं तो डिस्काउंट मिलेगा। ओके और आपके दिवाली पे भी डिस्काउंट होता है, न्यू ईयर पे डिस्काउंट होता है, फेस्टिवल पे होते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर किसी को 50 गज चाहिए तो वो 2 लाख में यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। 2 लाख रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, आपने ऐसा कोई फैसिलिटी रख रखा है कि ये 2 लाख रुपए जो है इतने साल में देने हैं या 6 महीने में देने हैं या 2 महीने में देने हैं या ये एक बार का पेमेंट है? मैं आपको खुल के बता दूं, अगर कोई एक साथ पेमेंट करना चाहता है तो हम उसे सस्ते में देते हैं। 1,75,000 रुपए में 50 गज का प्लॉट अवेलेबल कराते हैं डिस्काउंट में। अगर जो डिस्काउंट के साथ ठीक है हाँ जी। और जो 2 साल के टाइम पे लेता है उसको मात्र 11,000 रुपए की बुकिंग अमाउंट देनी होती है। ठीक है, और उसके बाद वो मकान बना सकता है। बाकी की जो अमाउंट होती है वो आराम से 2 साल के टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे दे सकता है। यानी 4,000 रुपए में, मात्र 4,000 रुपए गज में। ओके लोकेशन ऐसे साइड पे इतने कम रेट में जो हम दे रहे हैं, जहाँ पे रहते हैं लोग, हमसे सस्ता कोई नहीं दे सकता आपको पूरे NCR में। ओके मेरा एक सवाल सर व्यूवर्स के लिए, बिल्कुल, कि यहाँ पे जो है कितने अमाउंट लेके आप जो है पक्की रजिस्ट्री कर सकते हैं? मात्र 50% जो भी अमाउंट प्लॉट की अमाउंट होती है, मतलब 30 गज का लेता है उसकी 50% अमाउंट पे हम उसको रजिस्ट्री देंगे, 50 गज के अमाउंट पे 50% पे, मतलब जो भी प्लॉट के अमाउंट में मात्र 50% देना होगा, पक्की रजिस्ट्री विद मोटेशन मिलती है। ओके बाकी 50% के भी चेक लेंगे, वो भी रजिस्ट्री मेंशन कराएंगे, उनको टाइम दे देंगे किस्तों का, आराम से हमें साल भर 1.5 साल के टाइम पे आराम से दे सकता है। कोई प्लॉट लेने के लिए जो है राजी तो हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी हो जाता है उन्हें। हाँ जी बिल्कुल, वो ले नहीं पाते। हाँ ये बहुत अच्छी बात है। हाँ ये व्यूअर्स को बता लीजिए आपने कुछ रखा है टर्म एंड कंडीशन? हाँ बिल्कुल मैं बता दूं, ये बहुत जरूर अच्छी बातें पूछी है, ये जरूर हर व्यूअर को जाननी चाहिए। ऐसा होता है मान लो जैसे अभी मैंने ही आपने ही मुझसे प्लॉट लिया है और कुछ ना कोई 50 रीजन हो जाते हैं घर फैमिली के हो जाते हैं कि किसी कारण से हम ले नहीं पाते, कोई आ जाती है मुसीबतें, तो कभी कभी ऐसा होता है 4 महीने तक हम पेमेंट कर पाए, 4 महीने बाद हम पेमेंट नहीं कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में जितनी भी पेमेंट हमारे पास क्लाइंट की आई होती है हम बिना कोई काटे हुए कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं होगा जो कटना होगा सारे पैसे रिटर्न कर देते हैं उनके। ओके हाँ जी ठीक है। कोई प्लॉट लेने के बाद अगर घर बनाना चाहता है तो लाइक उन्हें कोई जैसे बैंक लोन वगैरह कुछ उपलब्ध हो जाते हैं? हाँ बैंक लोन उपलब्ध हो जाता है। ओके बैंक लोन के लिए पहले रजिस्ट्री करानी होती है, कम से कम 50% देगा रजिस्ट्री कराएंगे, उसके बाद रजिस्ट्री के कोई बैंक होता है आपको रजिस्ट्री पे लोन देता है। ओके तो कम से कम रजिस्ट्री मोटेशन आपको करानी होगी, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, बेसिक सवाल है लाइट और बिजली को लेके, यहाँ पे लाइट कितने घंटे रहते हैं, पानी कैसा है, पानी आता भी है नहीं है?
पानी के लिए बता दूं, एक तो आपका बोरिंग का पानी मिलता है आपको, ठीक आप है? समर सीवर कराओगे पानी मिल जाता है। दूसरा पानी आपको वाटर सप्लाई का मिलेगा। अभी कॉलोनियों में जैसे मकान बने नहीं, वहाँ पे हमने खुलवाए नहीं है, जैसे जैसे बसावट बढ़ेगी हम वो खुलवा के देंगे कनेक्शन को जी। पानी उपलब्ध है। दूसरा आपको लाइट के बारे में बता दूं, लाइट फिलहाल अभी यहाँ पे 18 से 20 घंटे की लाइट मिलेगी आपको। ओके, आने वाले टाइम पे ये भी जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी आपको 24 घंटे करा दी जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं गलियों में भी तार खिंचवा रखे हैं, लाइट की सुविधा दे रखी है, मीटर लगे हुए हैं। आने वाले टाइम पे ये एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी बनने वाली है। ये कौन से गाँव में आता है सर, ये बता सकते हैं? ये आपका पलवल में आता है, बंचारी में, बंचारी रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। हाँ जी, रेलवे स्टेशन मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर जाता है यहाँ से। एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट है, अपकमिंग में है। 2023 में गवर्नमेंट ने पहली उड़ान बताई हुई है, वो यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पे है। और मैं उनके कुछ बताऊंगा कितने बड़े बड़े प्लान लेकर आए हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। 20,000 कंपनियां रोजगार देने वाली हैं। Okay. और 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर सारा इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा आपको, काफी Okay. बड़ा, जिसमें जापानीज कंपनी भी आ रही है, मारुति Okay. के बड़े बड़े प्लांट भी आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? जो आपके गुड़गांव से ट्रांसफर हुए सीधे यहाँ पे, वो पलवल में ही आए हुए हैं। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से कनेक्टिविटी का क्या साधन है? कनेक्टिविटी के लिए आपको बता दूं, सबसे पहले सबसे जो मेन हम जिसको अच्छा कन्वेंस मानते हैं वो ट्रेन की सुविधा होती है। यहाँ से दिल्ली के तक की टिकट आपकी 10 रुपए की मात्र पड़ती है निजामुद्दीन तक की। 2 रेलवे स्टेशन नियर बाय में हो गए, एक सोलाखा रेलवे स्टेशन पास में पड़ता है और दूसरा बंचा रेलवे स्टेशन पास में पड़ता है। दोनों नियर बाय में पड़ते हैं। बस की सुविधा मिलेगी आपको, बस भी आपको दिल्ली से सीधी मिलती है यहाँ तक के लिए। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no. लास्ट में कुछ संदेश मैसेज देना चाहेंगे सर व्यूवर्स को? हाँ, व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे से अब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, भैया आए हुए हैं वीडियो बना रहे हैं, आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं सस्ते में, इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, तो भैया की वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर जरूर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच सर कीमती समय देने के लिए। तो मेरा वीडियो जो है यहीं पर कंप्लीट हो चुका है, और यही जो है हमने अभी एरिया दिखाया था, और ये भैया भी यहीं पर रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? विनय पंडित। विनय पंडित जी है, कहाँ कौन सा मकान है आपका? मैं इसमें रहता हूँ। ये जो है इनका मकान है, ठीक है, इस तरीके का। मैं जाते जाते मैंने सोचा कि चलो यार कवर कर ले। जो रोड है अभी इस तरीके का है, और जब हम आगे जाएंगे ना यहाँ पर, तो हमें जो है वो मेन पक्की वाली दिखाई दे देती है। यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ से ना हमें पक्की वाली दिखाई दे देते हैं। आंटी यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं आंटी? हाँ। आंटी भी यहीं रहते हैं। और ये देखिए, ये जो सड़क है ना वो पूरा पक्का है,